क्या मुंबई खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई के कोस्टल एरिया से वायरलेस रेडियो पर कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं जो इस देश की नहीं है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वायरलेस रेडियो पर भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसके बाद नेवी और कोस्टल पुलिस को खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया है। सबसे सुरक्षित वायरलेस रेडियो भी अब सुरक्षित नहीं। रेडियो पर मिल रही है अनजान आवाजें। किसकी साजिश की हैं ये आवाजें? मुंबई को एक बार फिर खतरा हो सकता है और इसकी वजह है समुद्री किनारे की तरफ से आने वाली वो रहस्यमय आवाजें जो यहाँ के पुलिस के वायरलेस सहित वायरलेस रेडियो यूजर्स के रेडियो सेट पर ओवरलैप हो रही हैं। ये आवाजें भारत की ना होकर किसी और देश की है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सुरक्षा एजेंसियों सहित नौसेना और कोस्टल पुलिस को सतर्क कर दिया है। वायरलेस रेडियो के इस्तेमाल करने के सबसे पहला तौर तरीका है कि हर कोई अपनी पहचान बताए और एक कॉमन रूप में बोले जाने वाली भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए। मुंबई के आम लोग जो वायरलेस रेडियो का उपयोग करते हैं वो बराबर मुंबई कॉलिंग से शुरुआत करते हैं, जिसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाता है। ऐसे वायरलेस रेडियो का इस्तेमाल मुंबई में मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई महानगर पालिका, मंत्रालय का डिजास्टर मैनेजमेंट और सरकार के जरिए मान्यता दिए गए लोग भी करते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी वायरलेस रेडियो क्लब के सदस्य हैं। क्लब के लोग जब कभी कोई आपदा या संकट आता है तो लोगों को सामान्य तौर पर जागरूक करने और आवश्यक सूचनाएं देने के लिए इस रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से ये परेशान है कि इस रेडियो को इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ अजीब ही आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाजें रेडियो इस्तेमाल करने वाले लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। इशू इज कंसर्निंग वायरलेस इक्विपमेंट, जो कि किसी भी आदमी के पास रहना तो उसके लिए उसकी रीजन फॉर यूज या उसकी पुलिस को या जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग सुन रहे हैं वो हमारे हैम रेडियो के फ्रीक्वेंसीज पे आ रही है और अराउंड 5 मंथ से हम लोग इनको सुन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हर एक वायरलेस जो यूज़ करता है उसको कॉल साइन दी जाती है और वो कॉल साइन वापरना ज़रूरी है। और ये जो हम लोग कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं उसमें ना कॉल साइन का यूज़ हो रहा है, ये बहुत ही ऑड टाइमिंग्स पे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। और इनकी लैंग्वेज, भाषा जो है वो कॉमन इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी नहीं है। सो इसके वजह से वो फ्रीक्वेंसी पे क्या बात कर रहे हैं, उसके इन्फॉर्मेशन का कंटेंट क्या है या कॉन्वर्सेशन का कंटेंट क्या है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। एंड विद द प्रेजेंट थिंग दैट इज़ हैपनिंग, हमको लगा ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। 1.1% भी चांस नहीं लेना चाहिए। सो एज अ अलर्ट सिटीजन, एज अलर्ट हैम रेडियो ऑपरेटर्स, वी हैव कम्युनिकेटेड विद द सेम टू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी इन न्यू दिल्ली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई पुलिस कमिश्नर, गुजरात पुलिस कमिश्नर जो है, कोस्ट गार्ड है, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ सिग्नल्स ऑफिसर जो है, उनको भी हम लोग ने सीसी में रखा है। रेडियो यूजर्स की चिंता है कि कहीं ये पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसी के वायरलेस फ्रीक्वेंसी में सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं। इसी बाबत सरकार को लिखित सूचना भी दी गई है। सरकार ने भी आनन फानन में जवाब दिया और मामला बेहद संवेदनशील होने के चलते गोपनीयता बरतते हुए सुरक्षा एजेंसियों को संकेत दिए। इसके लिए नौसेना ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। suspicious transmissions as you mentioned,
which are reported by the intelligence agencies. Those are very carefully looked at, and those coming from the sea are given very careful consideration from the point of view of any risk or any threat that may be emerging. समुद्र में जाने वाली छोटी नाव हो या कोई बड़ा जहाज, अगर मुसीबत में हो तो वो दूसरे तरीके से रेडियो संदेश देते हैं, लेकिन कोई भी संदेश देने से पहले अपनी दी गई फ्रीक्वेंसी और पहचान बताना जरूरी है। लेकिन मुंबई के हेम रेडियो यूजर्स को लगातार मिल रही अनजान आवाजें मुंबई की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला रही हैं। 26/11 हमले के बाद मुंबई की सुरक्षा को और कड़ा किया गया, और खासतौर पर कोस्टल एरियाज को। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आ रही इन आवाजों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन नेवी और कोस्टल पुलिस को सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि आवाजें किसी आतंकी साजिश का भी हिस्सा हो सकती हैं। राजीव रंजन सिंह, इंडिया 24/7, मुंबई।